तो नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में Realme का जो एक टीवी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है 25 मई को, तो इसके जो फीचर और कुछ डिटेल्स और प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत लीक हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी चीज़ लीक हुआ है और इसके जितने भी फीचर्स अभी तक रिवील्ड हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही वीडियो को भी लाइक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप टीवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो डिजाइन में इसको लॉन्च किया जा रहा है, मतलब दो मॉडल में। तो एक है 43 इंच, एक और 55 इंच। तो दोनों टीवी बहुत ही कमाल का है। तो चलिए दोनों टीवी के स्पेशल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दोनों टीवी में सेम है लेकिन डिफरेंस है सिर्फ स्क्रीन का। तो चलिए स्क्रीन को छोड़ के सारी चीज यहाँ पर बताते हैं, तो बाद में हम स्क्रीन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेजल मिल जाता है, तो लेस बेजल। तो आपके यहाँ पर टीवी के साइड में देख सकते हैं एकदम बिल्कुल जो एजेस नहीं है, फुल स्क्रीन आपको मिल रहा है, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। लेकिन टीवी है फिर भी थोड़ा थोड़ा बेजल आपको यहाँ पर मिल जाता ही है। इसके मतलब आपको इम्प्रेसिव मल्टीमीडिया जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। वैसे आपको अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले इस बार आपको 400 nits स्पीड प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ में आपको क्रोम बूस्ट पिक्चर इंजन जैसा एक फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फीचर दिया जाता है, जिसमें Realme क्लेम करता है कि आपको पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का दिखने मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसर आपको मिल जाता है MediaTek 64-bit quad core chipset का प्रोसेसर आएगा, जहाँ पर आपको A53 का CPU और MIL-A470MP3 GPU दिया जाएगा। और ये मी टीवी से अलग होगा, जो मी टीवी है MI, जो हम बोलते हैं MIMI, लेकिन वो मी टीवी जो बहुत ही अच्छा होगा। तो कंपटीशन मार्केट में देखा जाएगा जब ये लॉन्च होता है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं और कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कंपटीशन में किसको दे रहा है। और इस प्रोसेसर की मदद से आपको क्या करता है, तो जब भी आप गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी पे गेमिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल लैग नहीं मिलेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप कोई भी गेम खेलते हैं। जैसे कि आप दूसरे टीवी के ऊपर अगर गेमिंग करते हैं तो आप बहुत से लैग मिलते हैं, आपको ग्राफिक्स क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छा मिलता है और बिल्कुल लैग नहीं करेगा, चाहे आप फुल दिन पबजी ही क्यों ना खेलिए। और इसका जो साउंड आउटपुट है उस पर काफ़ी नज़र दिया है Realme की तरफ से, क्योंकि दूसरे जो टीवी में इतना साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 4 स्टीरियो स्पीकर एक साथ लगा दिया, जिसके मदद से आपकी जो साउंड क्वालिटी है तो बहुत ही कमाल का आएगा और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ डॉल्बी ऑडियो का भी सिस्टम रहता है, जहाँ कि आपके डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम दे रहे हैं, यहाँ पर सॉन्ग की वजह से एक और डॉल्बी मिलेगा आपके ऊपर, मतलब रिलेटेड करता है आप कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं, गेमिंग या मूवी पिक्चर सॉन्ग, तो इसके रिलेटेड डॉल्बी साउंड ऑटोमेटिक आपके टीवी पर वर्क करेगा। और साथ ही आपको ये प्रिटी साउंड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बहुत ही कूल लगेगा जो भी आप साउंड सुन रहे हैं, एकदम स्मूथ साउंड आएगा, ऐसा नहीं कोई भी आपको नॉइस नहीं मिलेगा, आराम से एकदम कूल साउंड पे एकदम प्रिटी साउंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पर आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन जितने भी सारे वेब सीरीज, मतलब जितने भी सारे दूसरे प्रोग्रामिंग के जो एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इस पर ये सब जो मैंने बोला यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ऐसे वगैरह ये सारे प्री इंस्टॉल रहेंगे, आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर प्ले स्टोर का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप चाहे तो प्ले स्टोर से यहाँ पर जितने भी सारे एप्लीकेशन चाहे आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सिंपली एंड्रॉइड पे काम करते हैं, तो आप आराम से एंड्रॉइड से यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट, आप जो भी चाहे इसको काम कर सकते हैं। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हो, यहाँ पर वाईफाई का कनेक्टिविटी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा, और इस पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी मिल जाता है। और साथ में अगर जो दूसरे अदर कनेक्टिविटी की बात, जो कि आपके नेजर और दूसरे पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे USB, HDMI सारे कनेक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहे किसी भी तरह से इसको कनेक्शन करें आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें, यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज आपको 32 GB मिल रहा है और रैम आपको यहाँ पर 3 GB, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, आराम से टीवी पे गेमिंग कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी मूवी को देख सकते हैं, आप यहाँ पर बहुत सारी मूवी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल मेमोरी बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ही खास एक्सपीरियंस होने वाला है ये टीवी आपके लिए। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हो, प्राइसिंग अभी तक लीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक हिंट मिला है हमको यहाँ पर 30,000 के करीब, मतलब 30,000 के करीब आएगा ये टीवी, मतलब बहुत ही बजटफुल है यहाँ पर जो है टीवी, क्योंकि Realme की तरफ से बहुत ही यहाँ पर जो फास्ट टीवी है इसलिए यहाँ पर इतना बजट में है। तो अपन दूसरे टीवी आप देख सकते हैं 60,000, 70,000, 2 लाख से भी ज़्यादा है पर प्राइसेस से, लेकिन यहाँ पर आपको 30,000 में मिल रहे जो कि बहुत ही अच्छा स्मार्ट टीवी है। और इसको जब भी लॉन्च किया जाएगा, मतलब 25 मई को ये लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में उस दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जब भी वो लॉन्च हो तब देखा जाएगा कि इसका प्राइस कितना है और दूसरे सारे फीचर में क्या डेवलप होते हैं या नहीं। तो सारे वीडियो में मैं आपको
सॉफ्टवेयर पर दिखाऊंगा। तो चलिए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो जैसा Realme ने यहाँ पर क्लेम किया है, तो देखते हैं जब ये टीवी लॉन्च होता है तो कैसा रहता प्रोसेसर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और नीचे एक कमेंट करके बताएं इसका कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा और इसका प्रोसेसर आपको कैसा लगा, बेटर है या फिर बेटर नहीं है, आप जरूर नीचे कमेंट कर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।